हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ग्रो करेंगे रोज़ेरी पी। इसे गुंजा सीड्स भी कहते हैं और क्रैब्स आई भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा शाइनी सीड्स होते हैं और इनकी हम सीडलिंग तैयार करेंगे। और ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है। अगर आप इनको इसी तरह ही चबा लें, जिसको हम कहते हैं कि च्यू कर लें, तो आपकी 2 से 3 दिन के अंदर डेथ हो सकती है। मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा पॉइजन है। और इसके अंदर जो पॉइजन होता है उसको एबरिन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वैसे तो ये हमारा हर्बल प्लांट है, बहुत एंशियंट मेडिसिन है। और इसके सीड वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, बांग्लादेश में भी है, वियतनाम में भी, और आजकल इसको पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। इसके सूट सीड्स थोड़े एक्सपेंसिव है, इसको इंग्लिश में रोज़ेरी पी कहते हैं। और इसका ग्रोइंग जो मेथड है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। अब यहाँ पर यह डिस्टिल्ड वाटर है, आप खुद से भी बॉयल कर लेते हैं। उसके अंदर हमने इसको कम से कम 5 घंटे के अंदर सोक किया था। इन सीड को 5 घंटे के अंदर हमने भिगो दिया था सादा पानी के अंदर, लेकिन ये बॉयल वाटर है। और आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल वाटर में यूज़ करना है। नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, टूटी वाला पानी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और अगर आप इसको ग्रो करने जा रहे हैं, और अच्छा, इसकी मेडिसिन कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसे बनती है। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है, इसके अंदर जो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद इसको ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा स्किन की जितनी भी आइटम्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, उसमें भी यूज़ होता है। और इसको हेयर रिकवरी में, मतलब सर के जो टकले होते हैं लोग, उसके रिकवरी भी हो जाती है बालों की। और अगर स्किन के ऊपर रैश है, पिंपल्स है, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाली सारी मेडिसिन हम घर पे ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, ये इंडस्ट्रियल यूज़ होता है इसका, वहीं पे बनती है। कोई भी बंदा इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अगर हम बात करें कि इसको हमने ग्रो कैसे करना है, इसको आपने बिल्कुल 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 सादा मिट्टी में ग्रो करना है। 100% भालू मिट्टी होनी चाहिए। आपने खुद से बिल्कुल भी सैंड नहीं ऐड करना। अगर आपने खुद से सैंड ऐड कर दिया तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, और जब आपके बेबी छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे वो बिल्कुल भी ड्राई डेड हो जाएगी। इसके अंदर आप 80% सादा भालू वाली मिट्टी है, बिल्कुल सादा भालू वाली मिट्टी है। उसके अंदर हमने 20% गले सड़े पत्तों की खाद यूज़ कर ली है, जिसको हम लीफ कंपोस्ट कहते हैं, क्योंकि वो एक ठंडा फर्टिलाइज़र होता है, वो हमारी सीडलिंग को अच्छे से मेंटेन करेगा। अब इसके सीड्स हमने डायरेक्ट लगाने हैं। इसको आप पेपर टॉवल भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हमने जब पेपर टॉवल किया था तो हमारी ऑलमोस्ट सारी की सारी सीडलिंग ख़राब हो गई थी। अब इसको हम कैसे ग्रो करना है? अभी इस मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी कोकोपीट नहीं है, और हमने उस कोकोपीट को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको समझा देते हैं। आपने कम से कम 1 इंच या आधा इंच का इस तरह का होल बनाना है। उस होल को आपने थोड़ा सा इस तरह वाइड कर लेना है, मतलब उसमें ज़्यादा गैप होना चाहिए। हमारे पास 5 सीड है, हम एक ही गमले में इस तरह के 5 होल बना लेते हैं। आपने इस तरह 1 इंच डीप करके आप इस तरह के होल बना लेने हैं। इस होल के अंदर आपने सीड डायरेक्ट नहीं लगाना है। इन होल्स में हमने अब थोड़ी थोड़ी कोकोपीट यूज़ करनी है, मतलब कोकोपीट से इस होल्स को हाफ फिल करना है। मतलब हमने सीड्स को सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर देना है कोकोपीट की वजह से। आप अगर इसको बिल्कुल 100% कोकोपीट में यूज़ करेंगे या ग्रो करेंगे तो आपके सीड जर्मिनेट तो हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी ड्राई डेड हो जाएंगे ओवर मॉइस्चरिंग की वजह से। इस तरह से आपने इनको फिल करना है। अब आपने सीड्स को इस तरह लगाना है, और आपने इस तरह फील करना है कि सीड्स को सिर्फ़ और सिर्फ 1/2 इंच डीप होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डीप हो गए तो आपका फिर भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस तरह आपके सीड लग गए हैं, इसके ऊपर आपने दोबारा इन होल्स के अंदर कोकोपीट डाल देनी है। मतलब आपने सिर्फ़ और सिर्फ गमले में वहाँ वहाँ कोकोपीट यूज़ करनी है जहाँ पर आपने होल्स बनाए हैं। अगर आपने सारे गमले के ऊपर एक लेयर बना दी तो आपके प्लांट ओवर मॉइस्चरिंग की वजह से भी ख़राब हो जाएंगे। आपने इनको ऐसा ऐसा थोड़ा सा प्रेस करना है, और अगर ज़्यादा कोकोपीट आ गया तो वो होल्स के ऊपर कर दें, लेकिन आपने बाकी गमले के ऊपर नहीं करनी। ये हमारा बेस्ट मेथड है आपके गुंजा सीड्स ग्रो करने के लिए। इसको अब हम आहिस्ता से पानी देंगे ताकि एक बार अच्छे से पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। आप इसको बॉटम वाटरिंग भी कर सकते हैं, मतलब ये सारा गमला किसी प्लेट में रख दें जिसमें पानी फिल हो, नीचे से पानी सक होता हुआ ऊपर आएगा, एक बार सारे के सारे सीड्स को मॉइस्चर मिल जाएगा। और आपने इस गमले को अब ठंडी जगह पर रखना है, बिल्कुल ठंडी जगह पर रखना है। धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना, इसको शेडी एरिया में रखना है, ठंडी जगह पर रखना है। और गमले की मिट्टी को आपने मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल भी गमले की मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके फिर भी सीड ख़राब हो जाएंगे। और हमने जो फर्स्ट टाइम इसे पानी दिया वही बॉयल वाटर दे दिया था। आप डिस्टिल्ड वाटर भी दे सकते हैं, अगर आपने स्पेशल बॉयल किया पानी तो वो भी दे सकते हैं। बस आपने यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि गमले की मिट्टी
जो टॉप सरफेस है उसको आपने मॉइस्ट रखना है। अगर दिन में 2 बार भी पानी देना पड़ा तो आप दे सकते हैं। इसको आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस इंडोर होगा, ठंडी जगह पे होगा। जब आपके बेबी प्लांट्स बन जाएंगे कम से कम 1 इंच 2 इंच 3 इंच के, तब आके इसको आपने थोड़ी सी धूप देनी है 1-2 घंटे की। आहिस्ता आहिस्ता आपके थोड़े से बड़े प्लांट होते रहेंगे, फिर आप इसको फुल्ले सनलाइट में भी कर सकते हैं। सर्दियों में इस प्लांट की थोड़ी सी कम ग्रोथ हो जाती है, लेकिन बाद में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब इसकी सेकेंड अपडेट भी आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।